शॉर्ट नहीं है, ये सीपीयू से लाइन शॉर्ट है। तो अभी सीपीयू चेंज करेंगे तो कस्टमर का डाटा चला जाएगा, फिलहाल कस्टमर को बना के देना है, कस्टमर बाद में बोलेगा तो वो सीपीयू भी चेंज इसमें कर दिया जाएगा। पर फिलहाल इसका सलूशन क्या है, तो सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सकता है आप मुझे लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को और शेयर कर देना। रेडमी 7A और ये फ़ोन है, आपको दिखा देते हैं चार्जिंग पर, फेक चार्जिंग में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन बनाए हुए हैं, आपको कोशिश करूंगा लिंक डालने की, बाकी आप चैनल पे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। देखिए 0.60 ले रहा है, और 0.60 के बाद में लेके छोड़ दे रहा है। बूस्ट वोल्टेज बन रहा है और तो एक और स्विचिंग भी होगी, ये देखिए। तो मतलब आईसी मेरी काम कर रही है कि डीपी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये कारण होता है फेक चार्जिंग का, डाटा माइनस। तो ऊपर की लाइन अगर हम पकड़े हैं तो ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर देगा और यहाँ पे बी, क्योंकि ये सीपीयू वाली लाइन है डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको जीआर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक जम्पर लगा दिया है, अब ये जम्पर कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है फिलहाल तो मैं इतना आपको डायग्राम में बताऊंगा एक्सप्लेन करके खुलकर, ठीक है। फिलहाल तो देखते हैं कि अब जो इसमें चार्जिंग एरर आ रहा था, जो फेक चार्जिंग आ रहा था, वो इसमें एम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इसमें क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, सो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। 3% हो गया, नोटिस कीजिए, 2 से 3% हो गया है, थोड़ा एक और रुकता हूँ, 4% तक तो कर ही देता हूँ। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाँ भाई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग, आज आपके सामने एक फोन और लेके आए हैं, ये है Redmi 7A और ये फोन है, आपको दिखा देते हैं चार्जिंग पर, फेक चार्जिंग में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फोन बनाए हुए हैं, आपको कोशिश करूंगा लिंक डालने की, बाकी आप चैनल पे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग पर है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि फेक चार्जिंग है और चार्ज होता नहीं है, चार्ज लेके छोड़ देता है, और चार्जिंग सिंबल भी जो आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर आप चार्जिंग एम्पियर देख लीजिए, नॉर्मल 5 पिन का कनेक्टर है इसमें, जैसे ही इसमें मैं लगाऊंगा ये देखिए बैटरी लगा दी, ये तो आप देखिए 0.60 ले रहा है, देखिए 0.60 ले रहा है और 0.60 के बाद में लेके छोड़ दे रहा है। तो ये देखिए 0.60 ले रहा है, फोन चालू हो रहा है बट फोन वैसे चालू नहीं हो रहा है, तो MI के फोन थोड़े चार्जिंग पर लगाने पर लोगों पे आते हैं, 0.60 ले रहा है पर देखिए 0.60 के बाद छोड़ दे रहा है, इसलिए इसकी जो चार्जिंग है वो कुछ इतनी 2% पे ही है और चार्ज हो नहीं रहा है। तो चलो ये बनाते हैं और इसका फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं कैसे बन सकता है ये। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले CC से। दोस्तों चार्जिंग बना रहे हैं इस वीडियो को, आपको अगर नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इंस्टीट्यूट के बारे में जान लो, एसर टेलीकॉम, आप जबलपुर मध्य प्रदेश आइए और फेसबुक में हमारे डेली लाइव देखिए और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर रियल में और सही एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना है जो सीख, जिससे आप सीख एक रियलिटी, एक जो फेस है वो फेस करें, फ़ोन बनवाने हैं तो हमें कुरियर कर दें, और अगर सीखना है और फ़ोन बनवाने के लालच में आना तो बिल्कुल मत आएँ, और अगर सीखना है तो आइए
और ज़िंदगी भर जुड़े रहना है एक टीम के साथ, और ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे और आप अपने आप को अपडेट भी करते रहें, और समय समय पर जो जो मार्केट में काम आता जाए वो आपको पता चले कि हाँ ये काम कैसे करना है, तो फिर हमसे जुड़िएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा फोन डायग्राम्स पे करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीमीटर शो हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं दोस्तों सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, अगर मैं चार्जिंग आईसी को चेक करूंगा तो गलत होगा, तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी को चेक नहीं करते, हमेशा सीसी से शुरुआत करते हैं। फिर भी मैं इसका बता देता हूं कि इसके ना सबसे पहले, क्योंकि फेक चार्जिंग बहुत ज़्यादा कारणों से नहीं होता है, कुछ ही पॉइंट होते हैं गिने चुने, सो उसमें से सबसे ज़्यादा मेन होता है जो उसका बूस्ट कैपेसिटर होता है, जिसको हम बूट कैपेसिटर भी कहते हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल, क्योंकि मैं शुरुआत हालांकि उसी से करना चाहता हूं, पर फिर भी इस वीडियो में नॉलेज देने के लिए, तो यहां मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना मल्टीमीटर, ताकि आपको ये बाकी मैं मल्टीमीटर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस मल्टीमीटर में होता है क्या है, इस मल्टीमीटर से मैं चेक तो कर लेता हूँ, पर जो एक्यूरेसी इस मल्टीमीटर से नहीं आती है, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं डीएसओ नहीं लेता, ये ले लेता हूँ, पर मैं ये लेने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। तो फिलहाल तो ये मल्टीमीटर से आपको दिखा देता हूँ, ये मल्टीमीटर आपके सामने रख दिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ये देखिए, तो पहले तो हम इसका बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और पीछे का मैंने थोड़ा सा पतरा खोला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्नोस कर लिया है, बट मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्सा काटा हुआ है, और ये मेरा चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे ये मेरा लगा है बूट कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसका बूट कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि फेक चार्जिंग इससे भी होती है, तो इसमें चार्जर इंजेक्ट करता हूँ मैं, तो चार्जर इंजेक्ट कर दिया है, बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं, और अगर मैं जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, तो इस मल्टीमीटर से मैं थोड़ी स्विचिंग भी दिखाना चाहता हूं, इस मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, यहां पर तो एक और स्विचिंग भी होगी, ये देखिए, तो मतलब आईसी मेरी काम कर रही है, मतलब मुझे पीएमआई पे काम नहीं करना है, इसका सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। तो अभी क्या करूं, तो सीसी चेक कर लेता हूं, शुरुआत तो वही से करनी चाहिए। अब देखो यहां पे बहुत सारा काम हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखो एक मॉस एक प्रोटेक्शन डायोड आईसी निकाली गई है, मॉसपैड नहीं है, प्रोटेक्शन डायोड है, ये इसका प्लस है, ये इसके माइनस है, यहां पे कुछ कैपेसिटर्स निकाले गए हैं, और अगर मैं सीसी की बात करूंगा, सीसी भी मुझे इसका चेंज लग रहा है कि सीसी, हाँ सीसी चेंज किया है, और जम्पर भी लिया हुआ है खुला। खैर अब यहाँ पर हमने इसको डायोड मोड पे किया है, इसका जीआर चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, और प्लस के बाद होता है डी माइनस, और उसके बाद होता है डीपी, तो आप देख सकते हैं कि डीपी यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो ये कारण होता है फेक चार्जिंग का, डाटा माइनस। तो ऊपर की लाइन अगर हम पकड़े, सो ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर जम्पर के लिए मेरे ख्याल से यूज किया होगा नॉर्मल टेक्नीशियन ने, तो ये बीबस की लाइन है, बीबस की लाइन ओके है, ठीक है। अब डीपी डीएम की लाइन में देखेंगे, सो डीएम की लाइन ओके है, पर डीपी की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। सो डीपी की लाइन शॉर्ट है, और जब तक ये लाइन शॉर्ट रहेगी तो ये बेसिकली इस पर काम नहीं होगा। मैं इसका सर्किट डिजाइन कर देता बट कोई मतलब नहीं है यहाँ पर भी बताने का, बट फिलहाल इतना ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्वालकॉम का सेट है, और यहाँ पर ये लाइन दो आईसीओ पे जा रही है, एक आपकी इस पीएमआई पे,
यहाँ पर ये कंपोनेंट से होते हुए और ये डायोड से होते हुए, तो हम सबसे पहले ये डायोड निकालेंगे और मैं यही कोशिश करूंगा, आशा मेरी यही है कि डायोड मेरा निकल जाए तो सॉर्टिंग निकल जाए, नहीं तो मुझे फिर सीपीयू निकालना पड़ेगा, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा वन टाइम। और दूसरा, जनरली पर ज़्यादातर ये सीपीयू रिवॉल्व से नहीं होता है क्योंकि ये फॉल्ट सीपीयू से और पीएमआई से तो बिल्कुल भी नहीं है ये फॉल्ट, क्योंकि ये रजिस्टर है ना, इसके ऊपर से 1.8 वोल्ट मतलब जो वोल्टेज हैं 0.6 से 3 वोल्टेज तक यहाँ से आते हुए हैं और यहाँ से निकलते हैं, ऊपर वाले जो वोल्टेज हैं यहाँ पर जो है ये सीपीयू, ये लाइन पीएमआई से कनेक्टेड है और नहीं यहाँ सॉरी यहाँ से जो वोल्टेज है ये पीएमआई से कनेक्टेड है और ऊपर वाले सीपीयू से कनेक्टेड है। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए या बोर्नियो में भी देख सकते हैं लाइन है, आपको दिखाई देगी, ये देखिए यहाँ पे आपको जीआर मिलेगा और यहाँ पे बी, क्योंकि ये सीपीयू वाली लाइन है डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको जीआर मिलेगा। तो फिलहाल तो हम ये डायोड निकाल देते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। देखिए फिलहाल तो मैंने ये डायोड निकाल दिया है और कोशिश यही है कि डायोड निकल जाए तो मेरा शॉर्टिंग निकल जाए। देखो डायोड निकालने के पर भी शॉर्टिंग है क्योंकि ये लाइन है ना जनरली सीपीयू से शॉर्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक हमने क्या क्या चेक किया, हमने देखा कि इस फोन में फेक चार्जिंग का फॉल्ट है और इस फोन में जो इसका बूट कैपेसिटर है वो बिल्कुल ओके है, उसमें प्रॉपर बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं और इसका जो पावर है सब पावर एसी है, डीसी टू डीसी एसी या जो हम कहें चार्जिंग एसी पीएमआई 632, तो वो भी ओके है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, तो हमने बाद में जैसे आपने देखा कि डायग्नोस किया तो प्रॉब्लम निकला इसकी डीपीडीएम की लाइन पर, जिधर इसकी एक लाइन शॉर्ट है और ये लाइन डायरेक्ट जाती है सीपीयू में। और दोस्तों इस पर हम सीपीयू भी अगर आप रिवॉल्व करेंगे तो भी आपकी लाइन शॉर्ट होगी, क्योंकि ये सीपीयू से ही शॉर्ट होती है, ये इंटरनली लाइन शॉर्ट नहीं है, ये सीपीयू से लाइन शॉर्ट है। तो अभी सीपीयू चेंज करेंगे तो कस्टमर का डाटा चला जाएगा, फिलहाल कस्टमर को बना के देना है, कस्टमर बाद में बोलेगा तो वो सीपीयू भी चेंज इसमें कर दिया जाएगा। पर फिलहाल इसका सलूशन क्या है, तो सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सकता है आप मुझे लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना। सो इसकी मैं सबसे पहले मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं पीछे बोर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने इसको रिपेयर किया और क्या बेसिकली ये किस तरीका फंडामेंटल है चार्जिंग के यूएसबी में। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो डायोड है ये डायोड निकाल दिया था, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपने देखा कि मैंने ये जो डायोड है ये डायोड यहाँ पर निकाल दिया था, ठीक है। पर डायोड निकाल दिया तो भी यहाँ पे शॉर्टिंग है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूँ शॉर्टिंग जो है वो सीपीयू में है डायरेक्टली, और ये इसकी पीएमआई से भी जुड़ी हुई है। तो बट मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए देखिए यहाँ पर अभी भी बीप आ रही है, ये पैरेलल लाइन है तो दोनों बीप है, और ये रजिस्टर के एक और 1K का रजिस्टर है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो बीप इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीएमआई के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं इसको एक बार रिपेयर कर देता हूँ डायरेक्टली, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों करना क्या है कि ये रजिस्टर हम हटा देंगे, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए तो बेसिकली मैंने रजिस्टर हटा दिया है। अब रजिस्टर हटाने से ऐसा नहीं है कि शॉर्टिंग चली गई, क्योंकि अभी भी सीपीयू की लाइन शॉर्ट है, ये देखिए। तो रजिस्टर का फिलहाल तो कोई काम नहीं है तो मैंने हटा दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। पर अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूंगा तो शॉर्टिंग ऊपर है नीचे नहीं, क्योंकि वो पीएमआई से जुड़ा है, मैं बताऊंगा, जुड़े रहना क्योंकि मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, एक जम्पर लेना है, तो मैं एक जम्पर लूंगा और इस तरीके से इसको जम्पर कर दूंगा। तो जम्पर देखिए, और उसको फिर बाद में डायग्राम के थ्रू समझिए कि मैंने क्या जम्पर मारा है, पर पहले एक बार इसको रिपेयर कर देते हैं, देखिए।
आप देखेंगे कि मैंने एक रजिस्टर, मतलब बेसिकली रजिस्टर को एक सिरे को यहाँ पे जम्पर कर दिया है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा साफ भी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, तो मैंने यहां पर एक जम्पर लगा दिया है। अब ये जम्पर कहां से कहां कनेक्टेड है फिलहाल, तो मैं इतना आपको डायग्राम में बताऊंगा एक्सप्लेन करके खुलकर, ठीक है। फिलहाल तो देखते हैं कि अब जो इसमें चार्जिंग एरर आ रहा था, जो फेक चार्जिंग आ रहा था, वो इसमें एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इसमें क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, सो सारी चीज मैं बताऊंगा। तो पहले मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूं। तो ये डिस्प्ले का पत्ता, ये चार्जिंग का पत्ता, ये बैटरी, अब इसमें चार्जर लगाएंगे और आप एम्पियर भी देखना, और ये भी देखेंगे कि चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए आपके सामने एम्पियर, ये हमने चार्जर लगाया और नोटिस कीजिए ये 1.9 पर चला गया है। ये देखिए दो एम्पियर पर चला गया है, आप देखिए मतलब बिना चार्जिंग एम्पियर ले रहा है। ये देखिए 2 एम्पियर पर चला गया है, और यहाँ पे आप चार्जिंग देखेंगे नोटिस करो तो 2% है, तो मैं इसको थोड़ी देर रखता हूँ ताकि पता चल जाए। और चार्जिंग का एम्पियर ये भी देखिए साथ में यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर आपको एम्पियर और ये दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो मेरा सक्सेस हो गया है, चार्जिंग एम्पियर ले रहा है और ये अभी 2% है, तो 2 से ऊपर बढ़ना चाहिए। कस्टमर फिलहाल अपने फोन को बहुत अच्छे से चार्ज कर लेगा, और क्योंकि सीपीयू इसमें एक लाइन शॉर्ट है, ये देखिए 3% हो गया, नोटिस कीजिए 2 से 3% हो गया है। थोड़ा एक और रुकता हूं, 4% तक तो कर ही देता हूं, और सेम स्पीड में चार्ज होगा, स्पीड में कमी नहीं होगी। जो फास्ट चार्जिंग होती है, जो अगर ये सपोर्ट करता है, तो उतनी स्पीड में चार्ज होगा। यहां पर देख आप एम्पियर भी देख सकते हैं, 1.9 एम्पियर ले रहा है, और आप देखिए 2 से 3 चला गया, और 3 से ये अभी कुछ देर में 4 भी जाएगा, तो आप देखते रहिए। अब देखते हैं कि कितना एम्पियर चला गया है। ये देखिए तो 4% हो गया है, आप देख सकते हैं, एम्पियर भी देख लीजिए, और थोड़ा पास से भी दिखा देता हूं। ये देखिए 4%, ठीक है। तो दोस्तों हमारी चार्जिंग तो डन हो चुकी है, पर मैं अभी आपको फिर से दिखाना चाहता हूं डीपी और डीएम में एक लाइन अभी भी शॉर्ट है। जी हाँ, तो यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर इसी फोन की अगर मैं बात करूंगा, बैटरी निकाल देता हूं, और ये जो डीपी डीएम की जो लाइन है, आप इसकी लाइन देखिएगा, ये अभी भी शॉर्ट है, फिर भी चार्जिंग हो रहा है। तो कैसे हो रहा है तो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए
ये देखिए डीएम की लाइन ओके है, देखिए डीएम की लाइन ओके है और डीपी की लाइन शॉर्ट है। डीएम की लाइन ओके है और डीपी की लाइन शॉर्ट है और हमारा फोन चार्जिंग ले रहा है और जो पहले चार्जिंग नहीं ले रहा था। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना क्योंकि यहाँ मैंने बताया है कि कैसे सीपीयू को बाईपास किया जा सकता है सिर्फ चार्जिंग की कंडीशन में और इसमें पूरी थ्योरी भी समझाई है। तो वीडियो वाला हो सकता है पर आपके लिए नॉलेजेबल होगा और एक महंगी क्लास साबित करेगा आपके लिए और एक नॉलेजेबल, और ये कि अगर आप इससे टेलीकॉम आएंगे तो आपको क्या आपको अलग मिलेगा। और हमारे चैनल में हमेशा आपको नया और अलग कुछ मिलता है तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो चलते हैं इसकी थ्योरी पे और देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए ये मेरा सपोज मान लीजिए सीसी है, ठीक है, और यहां पर मैं बात करूंगा ये मेरा सीपीयू है ठीक है। सीसी से पांच लाइन इसको जा रही है जिसमें से एक लाइन बी बस है, एक डाटा नेगेटिव, एक डाटा पॉजिटिव और एक आपकी आईडी, ठीक है। और जो पहले के मोबाइल में क्या होता था सिर्फ बी बस और नेगेटिव काम करता था, पर अभी के मोबाइल में डीपी डीएम की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो जब तक डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव जुड़ेंगे नहीं आपस में तो हमारी चार्जिंग हाई एम्पीयर पे नहीं जाएगी। तो डीपीडीएम तो आपके कनेक्टेड हो जाते हैं सीपीयू की लाइन पर, ठीक है, और यहां पर आप देखिए ये इस तरीके से, क्योंकि इनका काम डाटा लेना और डाटा देना होता है सीपीयू के साथ में, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं सीपीयू के साथ। और बेसिकली यूएसबी जो चार्जर होता है वो दो तरीके से काम करता है, तो आप उसको दो तरीके से यूज करते हैं। अगर मैं दो तरीके समझाऊं, जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा एम्पियर हाई होता है, आप नोटिस कीजिए जनरली अप्रोक्स 2 एम्पियर तक होता है, पर जब आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपका एम्पियर कम होता है, जनरली 1 एम्पियर से बिलो होता है। और यहां पर क्योंकि कुछ मिली एम्पियर ही सपोर्ट करता है लेता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी चार्जिंग जब लगाई होगी तो पीसी से चार्ज करते होंगे तो बहुत स्लो चार्ज होता होगा, पर जब चार्जर यूज करते होंगे अपना तो बहुत अच्छे से यूज होता होगा। पर जब भी हमने लैपटॉप पीसी से चार्ज किया है मोबाइल तो कभी भी फुल चार्ज बहुत करेक्ट टाइम पे नहीं होता, बहुत स्लो होता है क्योंकि 1 मिली एम्पियर ही वर्क करता है, और जब हम चार्जर लगाते हैं तो हाई एम्पियर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम चार्जर लगाते हैं, ये देखिए ये आपकी चार्जिंग आईसी है और चार्जिंग आईसी बेसिकली इस तरह से जुड़ी होती है आपके सीपीयू की लाइन के साथ, ये देखिए यहां पर। जब हम जनरली इनके बीच में कभी कभी ऐसे रजिस्टर हाई वैल्यू के लगे रहते हैं, जनरली ये आपको क्वालकॉम की सीपीयू में मिलेगा, मीडियाटेक में तो नहीं रहता है। बट अगर मैं बात करूं कि जब भी हम चार्जर लगाते हैं, अगर हम सपोज हाई एम्पियर यूज करना चाहते हैं तो जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो डीपी डीएम की लाइन शॉर्ट हो जाती है आपस में और ये हाई एम्पियर पे चला जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे हम सिर्फ चार्जिंग यूज करते हैं, चार्जिंग के टाइम पे सिर्फ चार्जिंग। पर अगर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करिएगा ये लाइनें शॉर्ट नहीं होती हैं, ये लाइनें अलग अलग वर्क करती हैं डीपी डीएम के लिए, पर यहां पर तब उस टाइम पे मिली एम्पियर यूज होता है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारी कंडीशन थी कि एक लाइन हमारी शॉर्ट थी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सीपीयू के अगर वर्क नहीं करना है क्योंकि अभी हमारा कस्टमर का डाटा हमें बचाना है, हम सीपीयू को चेंज कर सकते हैं पर डाटा नहीं बचेगा, सो अभी तो हमें उसको चार्जिंग करके देना है। सो हमें करना क्या है, क्योंकि हमें डीपीडीएम को ही शॉर्ट करना है, मतलब बेसिकली इन दो लाइनों को शॉर्ट करना है। जब तक ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट नहीं होंगी आपका सेट हाई एम्पियर पर नहीं जाएगा।
सो हम इन दो लाइनों को अगर शॉर्ट कर दें तो हमारा सेट हाई एम्पीयर पर चला जाएगा, और हम वीबस तो दे रहे हैं जिससे इंडिकेट हो रहा है और चार्जिंग इनेबल हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो वीबस से हो रही हैं, पर जब तक डीपीडीएम आपस में शॉर्ट नहीं होगा आपका सेट हाई एम्पीयर में ही नहीं जाएगा, लो एम्पीयर में रहेगा। सो इसलिए ये फेक चार्जिंग दिखाता है। तो हमने क्या किया, हमने डीपीडीएम के दो लाइनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे फोटो अभी समय, और हमने डीपीडीएम की दो लाइनों को आपस में शॉर्ट कर दिया और इस वजह से हमारा सेट वापस 2 एम्पीयर पर वापस आ गया। पर दोस्तों अभी क्या होगा, कस्टमर दोनों चीजों को यूज नहीं कर पाएगा, कस्टमर केवल हाई एम्पीयर यूज कर पाएगा चार्जिंग में, पीसी के साथ वो कनेक्ट करेगा तो वो यूज नहीं होगा। सो बट ये है कि सोल्यूशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और सोल्यूशन मिल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आइए क्लास में, आपको और भी बहुत बेहतर बेहतर नई नई चीजों को बताऊंगा, और जो जो चीज डायग्नोस करते जाते हैं और जो समझते जाते हैं और जो भी मार्केट में पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे इससे टेलीकॉम के साथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना दिया है, जब आप क्लास आएंगे तो आपको डिजिटल स्मार्ट पैनल पे या सारी चीज़ें दिखाएंगे और समझाएंगे विद प्रैक्टिकल, उस टाइम पे मैं आपको डीपीडीएम की लाइनों को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर नहीं भी आया सो हम क्लास उसी की है, प्रैक्टिकल उसी का है, क्योंकि हम हर एक चीज थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। आपको खुद अपना कम से कम 5-6 घंटे प्रैक्टिकल करने मिलेंगे, और जो आप अपने फोन पे कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारे फोन अपने साथ लाइए जिसपे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जो भी चीज आपको डाउट होती है आपके साथ में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और वो डाउट आपके क्लियर करते हैं। बेसिकली दोस्तों हम मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं और आपको उतना काबिल बनाते हैं कि आप एक अपना एक ईमानदारी के साथ एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपडेट के साथ आप बिजनेस को हाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और ये वीडियो में की है मैंने बहुत आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग अस। और दोस्तों एक और चीज बताऊंगा कि YouTube में बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं या कह रहे होंगे कि आप थोड़ा एक बार दिमाग में ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलवेज मोटिवेट रहता हूँ, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, नहीं मुझे कुछ करना है। मैं तो दोस्तों सच बताऊँ तो मेरे को इतना समय भी नहीं मिलता है कि शीशे में ये भी देख लूँ कि मैं दिखता कैसा हूँ या मैं क्या पहना हूँ। मैं अपना नॉर्मल जीवन निकालता हूँ और ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देता हूँ। सो मेरा ये कहना है, हो सकता है आप मुझसे मोटिवेट भी हो, मैं मोटिवेट वीडियो भी डालता हूँ, काफ़ी दिन से नहीं डाला, तो आई होप मुझे भी समय मिला है एक दो दिन का, तो मैं भी मोटिवेशनल वीडियो भी डालूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उन भाइयों से जिनको लगता है कि आप हमारे बारे में कुछ सुने हैं, तो आप एक कान से मत सुनिए, आप हमसे भी पता कीजिए कि क्या वाकई में वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी राय कायम कर सकता है, बट उनकी राय भी, और वो जो सामने वाला होता है उसने कभी भी आज तक हमसे मिले नहीं, कभी हमारे पास आए नहीं, तो किसी के बारे में बिना जाए बिना पास गए किसी के बारे में सिर्फ देख कर उसके राय कायम कर लेना, आप मुझे बताइए क्या सही है। और अगर ये सही है तो फिर हमें भी किसी के ने किसी हमें भी आपके बारे में या किसी के बारे में कुछ भी बोलने का हक हो जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हालांकि ये चीज़ सच ये चीज़ अच्छी नहीं है, सही चीज़ है उसको कहिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे कुछ कहता है, आपका दोस्त आपसे कहता है कि सामने वाला ख़राब है, तो आप उसको ख़राब मान लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती है कि आपका माइंड इतना कमज़ोर है कि आप सामने वाले की बात पे आ जाते हैं, सिर्फ सुनी सुनी बातों पे। आप कभी भी ये नोटिस नहीं करते, कभी भी ये नहीं समझते कि सामने वाला वाकई में ख़राब है, तो चलो एक बार जाके देखते हैं, क्या पता वो ख़राब नहीं है, और एक पर्सनल कुछ इंटेंशन के कारण हो सकता है कि एक बंदा उसको ख़राब दिखाना चाह रहा है। सो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अपनी बुद्धि और विवेक यूज़ करो और अपना काम करो यार, आपके पास बहुत काम है, और तो आपको ये सब सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको ये करना है वो करते रहेंगे और जब उनका काम आएगा तो वो करना भी बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाले सीपीयू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।